नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलुस सालिहात, यानी ए नबी आप अच्छा खाएं, हलाल रिज़्क खाएं और नेक अमल करें। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हमारे लिए हलाल की हैं उन चीजों को हम खाएं और हराम चीजों से दूर रहें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए बहुत सी चीजें हलाल की हैं, बहुत सारे जानवर हमारे लिए हलाल किए हैं। हर हलाल जानवर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका खाना हमारे लिए जायज नहीं है बल्कि हराम है। वो कौन कौन सी चीजें हैं और कितनी चीजें हैं जो एक हलाल जानवर में हराम है, मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और दिल से एक लाइक जरूर कर दें। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हलाल रिज्क का असर इंसान के दिलो दिमाग पर होता है। हलाल रिज्क की बरकत से इंसान की जबान में तासीर आती है और औलाद नेक साले और फरमाबरदार होती है, और हलाल रिज्क खाने वाले इंसान के नेक आमाल मकबूल होते हैं और दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। लिहाजा हमें हराम चीजें खाने से परहेज करना लाजमी है। दोस्तों, एक हलाल जानवर में या कुर्बानी के जानवर में वो कौन सी चीजें हैं जिनका खाना एक मुसलमान के लिए हराम है और वो कितनी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि बाहर शरीयत में लिखा है कि एक हलाल जानवर में 7 चीजें ऐसी हैं जिनका खाना एक मुसलमान के लिए हराम है। नंबर 1, बहने वाला खून। बहने वाला खून एक मुसलमान के लिए खाना या पीना दुरुस्त नहीं है, हराम है। पर 2, अगर जानवर नर है तो उसकी शर्मगाह और मादा जानवर का। नंबर 4, यतैन यानी दोनों खुशिये। नंबर 5, पेशाब की थैली। नंबर 6, पित्ता। और नंबर 7, गदूद यानी जो फासिद गोश्त बीमारी की वजह से जमा हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं, उनका खाना हराम है। इसकी कोई जगह खास नहीं है, वो जानवर के बदन में कहीं भी हो सकता है। अलगर्ज, ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको नापाक तसव्वुर किया जाता है और इनका खाना एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है बल्कि हराम है। अब अगर कोई शख्स इन चीजों को खाएगा तो वो शख्स गुनहगार होगा। नाजरीन, आप जब कभी कोई जानवर ज़िबह करें या कुर्बानी करें तो इन बातों का खूब अच्छी तरह ख्याल करें और हराम अज़ब खाने से लाजमी बचें ताकि आप गुनाहों से बच जाएं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी तमाम लोग हासिल कर सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।